सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ स्टडी। जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोचिंग स्कूल सब स्टूडेंट जाते हैं पर बाजी वही माता है जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है। देखो सेल्फ स्टडी से आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है, क्योंकि उस समय आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होता है और सेल्फ स्टडी आपको पढ़ाई में तो बेहतर बनाता ही है, साथ में आपको डिसिप्लिन इंसान भी बना देता है और सफलता के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। पर यहां एक कंफ्यूजन स्टूडेंटों में रहती है कि हम सेल्फ स्टडी में पढ़े क्या, क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं तो पता रहता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन जब खुद से पढ़ने की बारी आती है तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अपने आप क्या पढ़ूं। तो इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं ये भी जानेंगे। और देखो कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो उनके डर से हमें पढ़ना भी पड़ता है कि कहीं टीचर पिटाई ना कर दे या कहीं डांट ना दे, लेकिन जब सेल्फ स्टडी की बारी आती है, घर पर पढ़ाई करने की बारी आती है, मामला यही पर बिगड़ जाता है। क्योंकि घर पर अब आप छोटे तो हो नहीं कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाई के लिए पिटाई करें। हो सकता है कि दो बातें बोल दे, या आपसे कहें कि मोबाइल मत चलाओ, घूमो मत, पढ़ाई करो, राइट, लेकिन आप उन्हें झुठला सकते हो कि मैं तो मोबाइल से पढ़ता हूं, या बुक के सामने बैठे रहो और दिखाओ कि मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्वयं अध्ययन, यानी खुद से पढ़ाई, और इसमें किसी का कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती पढ़ोगे तो ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसका सलूशन मैंने इस वीडियो में बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। और दोस्तों मन के बारे में आपको 100% रियल ट्रूथ बताता हूं, मन किसी का भी स्वयं कभी मुश्किल काम को करने को नहीं कहता। और यह भी सच्चाई है कि जब किसी काम में मन लग जाता है तो बार बार भागता भी नहीं। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपका मन हर मिनट बाद ये थोड़े ही बोलते रहता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसे तो होता नहीं। हाँ ये हो सकता है कि जैसे आप 30 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा पढ़ लो तो मन बोलता है कि चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, बहुत हो गया पढ़ाई, राइट। तो मन का स्वभाव है कि आप उसे जिस भी काम में लगाओ वो लगेगा, बस स्टार्टिंग में आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना जरूरी है तो मैं करूंगा। अगर मान लो कि आपका मन किसी मुश्किल काम को करने के लिए बना ही नहीं होता तो आप अभी तक न जाने कितने मुश्किल काम किए होंगे, और अभी तक आप पढ़ते आए हो वो कैसे हो गया, मन की वजह से हुआ। तो आप इस लॉजिक को समझ लो कि स्टार्टिंग में आपका मन मुश्किल कामों से भागता है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके काम को एक बार स्टार्ट कर दो तो बाद में मन भी साथ देने लगता है। तो अब आप ये मत कहो कि मेरा मन कहेगा कि मैं पढ़ूं तभी मैं पढ़ूंगा, नहीं, आपके लिए जो भी काम जरूरी है उसको स्टार्ट करो, मन कहे या ना कहे, और कुछ समय बाद मन भी साथ देने लगेगा। और मन का स्वभाव ये भी है कि वो कभी खाली बैठना नहीं चाहता, वो हमेशा किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहता ही है, चाहे वो काम कैसा भी हो।